गुड मॉर्निंग एवरीवन, विद्या घर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 जुलाई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। जो लोग विदेश में जॉब करते थे पर अब कोरोना वायरस की वजह से जॉब चली गई है, उन लोगों के लिए केरल राज्य सरकार ने ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है तथा इस परियोजना के तहत उन लोगों को जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल ने हाल ही में तिरंगा पहल की शुरुआत की थी। तिरंगा पहल में एक गाड़ी में 2 माइक्रोफोन, 2 कैमरा तथा 1 थर्मामीटर लगा होता है तथा ये गाड़ी जगह जगह जा करके स्क्रीनिंग करती थी तथा केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है तथा वहाँ के गवर्नर अरिफ मोहम्मद खान है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में पहनने योग्य पेंडेड किसने आविष्कार किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, DRDO, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। इस पेंडेड को गले में पहना जाता है तथा इसका यूज यदि आप इसे पहनने के बाद अपने कान, नाक, मुंह आदि टच करते हैं तो ये पेंडेंट वाइब्रेट होने लगेगा तथा इससे वायरस का खतरा कम हो जाएगा। तो यह बात आई है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा इसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है तथा नासा के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर जिम व्रीडेनस्टाइन है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में किसने शीना वीबो वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। सीना वीवो एक चाइनीज वेबसाइट है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्टिविटी को ट्वीट किया करते थे परंतु अब इस वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में कौन 2027 का एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2027 का एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी भारत करेगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी त्योहार मनाया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो यह बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त बने हैं तथा महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है तथा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है तथा वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं तथा वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में 31 लाख पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, असम, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो यहाँ बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी परंतु 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया तथा 1927 में दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली दिया गया और 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल बन गई। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की GDP कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 2.6%, 3.4%, 4.6%, 6.4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.4%। केयर रेटिंग के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की GDP 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कृतिका पांडे, स्वतंत्र राठी, प्रणय गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतिका पांडे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, नरेंद्र मित्तल, भी सूर्य नारायण, सौर्य गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भी सूर्य नारायण। तो यह बात आई है चोल एमएस की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तथा इसकी स्थापना 2001 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर चेन्नई है तथा चोल एमएस के एमडी हाल ही में भी सूर्य नारायण को अपॉइंट किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसवीर विकसित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की। यूनिसवीर में डॉक्टर के किट जैसे ड्रेस, ग्लोव्स, मास्क आदि को सैनिटाइज किया जाएगा तथा आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।